नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं वीडियो टीवी भारत। यूपी में सपा नेता आजम खान के रसूख के बारे में कौन नहीं जानता। एक समय ऐसा भी था कि अखिलेश यादव ने उनकी भैंस ढूंढवाने के लिए पुलिस की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव खुद उनको ड्रॉप करने के लिए मुरादाबाद आते थे और वापस जाते थे। कहते हैं कि यूपी में सरकार किसी की भी हो, लेकिन लखनऊ से लेकर जिला रामपुर तक डंका आजम खान का ही बस्ता था। आजम खान को किसी का भी डर नहीं था। खुद आजम खान ने 2019 में रामपुर के डीएम को धमकी देते हुए ऐलान किया था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाह वाले हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो चुनाव के बाद इनसे जूते साफ करवाऊंगा। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। और देखिए मायावती जी के फोटो कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल दिखाते, हाँ उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया चाह रहे हैं। जिन डीएम से आजम खान मायावती के जूते साफ करवाने की धमकी दे रहे थे, वो डीएम बेखौफ आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार थे, जिनको 2017 में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम बनाया था। इनके 2019 में पद संभालते ही आजम खान के परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि यूपी सरकार के खुले तौर पर बोलने के बाद भी पहले के डीएम आजम खान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते थे और बहुत थक चुके थे सरकार इस बात से। लेकिन इस आईएएस अधिकारी की बात ही कुछ और थी। आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार ने आजम खान के पैरों तले जमीन खींचनी शुरू कर दी थी। आंजनेय कुमार आजम खान के कामों की किताब को बंद करने वाले थे। लगभग 2 साल तक डीएम की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने आजम खान के अलावा उनकी बीवी और बच्चों तक को जेल भिजवा दिया था। सिक्किम कैडर की 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं कुमार। जब उनको उपायुक्त बनाया गया था तो अखिलेश यादव की सरकार थी। आंजनेय कुमार यूपी में योगी सरकार बनने के बाद रामपुर के डीएम बने थे। जिला रामपुर के डीएम बनने के बाद उन्होंने आजम खान के खिलाफ हर एक केस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। और जब प्रशासन ने भी खुले तौर पर सुनवाई करनी शुरू की तो जैसे आजम खान के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। 27 किसान आंजनेय के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आंजनेय कुमार ने इन सभी मामलों पर एफआईआर के आदेश दे दिए और उसके बाद आजम खान के खिलाफ समय ऐसा बदला कि एक के बाद एक 98 मामले उनके खिलाफ दर्ज हो गए। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले पर आंजनेय कुमार ने यूपी सरकार के एंटी भू माफिया पोर्टल पर भू माफिया घोषित कर दिया था। उसके बाद शुरू हुआ एक्शन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं आजम खान, जो रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे। 2005 में तत्कालीन यूपी सरकार ने उन्हें 12.5 एकड़ भूमि की अनुमति दी थी। यूपी में सपा सरकार आई तो यूनिवर्सिटी के लिए भूमि का दायरा बढ़ाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के दायरे में अब 172 एकड़ सरकारी जमीन आ गई थी। योगी सरकार आने के बाद 2019 में इस मामले की जांच की गई और इसके जांच के आदेश दिए गए। फिर क्या था, जब जांच हुई तो पता लगा कि जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल 172 एकड़ भूमि नियम विरुद्ध पाई गई और भूमि को वापस राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी मामले के बाद आंजनेय कुमार के सामने आजम खान के बेटे का मामला भी आया। साल 2017 में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अब्दुल्ला आजम ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके खिलाफ बीएसपी नेता नवाब मलिक खान ने उनकी उम्र को चुनौती दे दी और नॉमिनेशन के वक्त उनकी उम्र 25 साल से कम बताते हुए आरोप लगाया और उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की। 2019 में जब ये मामला आंजनेय कुमार के पास पहुंचा तो तुरंत एक्शन लिया गया, तो पता चला कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा था, फिर उसके बाद निर्वाचन रद्द करवाया गया। गुजरे दिनों में कई बार चुनाव आयोग से इस बात की दरखास्त कर चुका हूं कि जो अधिकारी गुजरे वक्त रामपुर के जिला अधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और उनकी दिलचस्पी इस कदर है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं जगह जगह। क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्या ऐसे माहौल में फ्री और फेयर इलेक्शन मुमकिन है? कल समाजवादी पार्टी के जो सेंट्रल ऑफिस है उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक शिकायत इसी मामले में की है। अब भी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत हुटरों की आवाज़ आ रही होगी, हुटर बज रहा है, ये रामपुर के लोगों के लिए आम बात हो गई। सिर्फ रामपुर के लोगों को टेरराइज करने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस वक्त भी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, तो बाहर का ये हाल है। इतना ही नहीं, बाद में अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट भी सामने आए। उसके बाद अंजन्य कुमार ने केस दर्ज करवाया और पूरे परिवार को जेल जाना पड़ा। आजम खान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ही अंजन्य कुमार योगी सरकार के सबसे पसंदीदा आईएएस अधिकारी बन गए और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया। यह समय का ही खेल है कि जिस आजम खान ने अंजन्य कुमार से मायावती के जूते साफ करवाने के लिए कहा था, उसी अंजन्य कुमार ने आजम खान की पूरी सत्ता हिला डाली। उनके ट्रांसफर के बाद वहां के लोगों ने उन्हें बग्गी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ उनको विदा किया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।